इनके एक तो सिक्योरिटी वाला कोई भी नहीं आया बाहर, ना इन्होंने कोई एम्बुलेंस वाला छोड़ा यहाँ पे भी, एम्बुलेंस वाले को बुलाए, किसी को फोन नहीं करा, सिक्योरिटी तक नहीं बाहर आई, किसी ने संभाला नहीं, वो बेचारे ड्राइवर खुद संभाल के लेके गया उनको। नमस्कार, ठीक बात न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ राहुल शर्मा। फिर लगे सुविधा स्टोर पर, जहाँ कुरुक्षेत्र सेक्टर 17 सुविधा स्टोर पर फिर लगे हाय हाय के नारे यहाँ पर, देख सकते हैं पब्लिक किस तरह से यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है, देख सकते हैं आप सीधी लाइव तस्वीरें, क्योंकि एक महिला यहाँ पर कपड़े खरीदने के लिए आई और पहुंच गई अस्पताल, अस्पताल पहुंच चुकी है जी। आपको कैसा लगेगा, कोई सुविधा स्टोर पर कपड़े लेने के लिए आए मगर पहुंच जाए वो अस्पताल के अंदर, मगर ऊपर की यहाँ का हम आपको एक बात बता देते हैं, क्योंकि ऊपर से सीलिंग, यहाँ सीलिंग की जो टाइल यहाँ पर एक महिला के ऊपर गिर चुकी है, हाथ में लेकर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। हमारे तमाम यूवर्स कितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहे। सुविधा स्टोर की तरफ से कितना बड़ा यहाँ पर लापरवाही देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ बीच में छोड़ दी गई है, मगर सीलिंग देख सकते हैं, सीलिंग की जो टाइल है नीचे पड़ी, हम आपको दिखा रहे हैं सीलिंग की टाइल जो किस तरह से यहाँ पर एक महिला के ऊपर गिर चुकी है, मगर बड़ा हादसा होने से टल चुका है जी, बड़ा हादसा होने टल चुका है, मगर महिला को अस्पताल में ले जाया गया है। तो क्या है परिवार वालों का कहना, हमारे साथ उनके परिवार वाले जुड़ रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप यहाँ पर इकट्ठे हो हाय हाय के यहाँ पर नारे लग चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब मेरा परिवार आया था, कपड़े लेने आए थे, कपड़ा लेने के लिए आए, दो लेडीज थी, एक मेरी मिसेज थी, एक छोटे भाई की मिसेज थी, तीन बच्चे थे छोटे छोटे, ड्राइवर साथ था, आए जैसी मेरी एक छोटे भाई की मिसेज उतरी, बच्चे उतरे, गाड़ी लगा के अंदर आए, एकदम ये चादर नीचे आई, पत्थर की टाइल है गिरी, सिर पे नहीं लगी, अगर सिर पे लग जाती मर जाती है, ये टाइल यहाँ पे लगी, चलो खून खान में कपड़ा खून, उसके बाद यहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, टंके आए, कहाँ पर एडमिट करवाया? पवन सर्जिकल पे। तो आपने इनको नहीं बोला ना एम्बुलेंस? इन्होंने क्या उठाया भी नहीं जी, मेरे ड्राइवर ने, ड्राइवर ने रोते रहे, बच्चे रोते रहे, किलकारियां मारते रहे, आखिरकार सिक्योरिटी वाले और कोई तो आता, ये कार वाला ड्राइवर मेरा फटाफट लेके गया, हम ऑफिस से आए फटाफट भाग के सारे इकट्ठे हुए, जब तक ये सीलिंग नहीं उतरती इनका स्टोर सीज होना चाहिए 3 दिन तक, ये 2 दिन बाद कहते हैं हमारी सीलिंग उतरेगी। परिवार वालों का कहना है कि सुविधा स्टोर की तरफ से ना तो कोई एम्बुलेंस बुलाई गई, ना ही उपचार के लिए किसी को भेजा गया जी, अंदर से कोई भी व्यक्ति, अंदर से कोई भी मुलाजिम नहीं आया सुविधा स्टोर का जी, हाँ बड़ी ही शर्म की बात है, ये देख सकते हैं यहाँ पर आखिरकार इंसानियत नाम का जो शब्द है वो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। सुविधा स्टोर की तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली, एम्बुलेंस ही बुला देते उस महिला को, क्योंकि उस महिला ने अपने परिवार वालों को फोन करके बुलाया, सभी परिवार वाले यहाँ पर आए और देख सकते हैं किस तरह से मुर्दाबाद के हाय हाय के नारे जो है सुविधा स्टोर पर जी हाँ लग रहे हैं। एक महीना पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, दोबारा फिर लगे यहाँ पर हाय हाय के नारे, देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। हमारे तमाम यूवर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा। परिवार का व्यक्ति जी हाँ, परिवार का व्यक्ति दिखा रहा है ऊपर जी, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर हम ऊपर की आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जी, ऊपर की सीधी तस्वीरें एक बार कैमरामैन से मैं कहूंगा, क्योंकि ऊपर की सीधी तस्वीरें दिखाई जाए, परिवार वाला जो इशारा कर रहा है ऊपर की जो सीलिंग जी, ऊपर की सीलिंग देख सकते हैं यहाँ पर, वो देखो टाइलेट टूटी पड़ी है और गिरेगी सिर पे, ऊपर दिखाइए, ऊपर दिखाइए, वो टाइलेट टूटी पड़ी है और जब तक ये सीलिंग पूरी नहीं होती तब तक ये सिक्योरिटी की रीजन से इसको सीज किया जाए, जब तक ये ठीक नहीं होता। हम मोबाइल में दिखा देते हैं उस महिला का जी, हाँ महिला की वीडियो दिखा देते हैं किस तरह से महिला को चोटें लगी हुई है जी, हाँ महिला को चोटें लगी हुई है, देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें, देख सकते हैं मोबाइल में यहाँ पर जिस महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है जी, आई थी कपड़े लेने के लिए मगर पहुंच गई अस्पताल, हम अंदर नहीं जाएंगे जी, हमारे एक प्रोटोकॉल होता है किसी की प्रॉपर्टी में हम घुस नहीं सकते जी, यहाँ जा नहीं सकते, मगर सुविधा स्टोर का कोई भी कर्मचारी बाहर आने से मना कर रहा है, बाहर पत्रकार से बात करने के लिए मना कर रहा है। तो देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें, हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा। सुविधा स्टोर में हुआ बड़ा हादसा, आई थी महिला कपड़े लेने के लिए मगर सीलिंग की जो टाइल है महिला के ऊपर गिर चुकी है, या महिला के ऊपर गिरी, सुविधा स्टोर सीधी ऊपर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा सुविधा स्टोर की कहाँ है गलती। बस इनके एक तो सिक्योरिटी वाला कोई भी नहीं आया बाहर, ना इन्होंने कोई एम्बुलेंस वाला छोड़ा यहाँ पे भी, एम्बुलेंस वाले को बुलाए, किसी को फोन नहीं करा, सिक्योरिटी तक नहीं बाहर आई, किसी ने संभाला नहीं, वो बेचारे ड्राइवर खुद संभाल के लेके गया उन। आज के समय में इंसानियत नाम का जो शब्द है इन्होंने बिल्कुल फीका कर दिया है, किसी गैर को भी चोट लग जाए उसको भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है,
तो बने रहिए इस्तिकबाल सीधी बात पर और तमाम खबरों के साथ। मिलते हैं आपको राहुल शर्मा के साथ, धन्यवाद।